उमर जैन डायरी ऑफिस चैनल तरफों सारे प्रोमो बुजुर्ग जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अज अस विजिट करने हैं जी खरगोश ना फार्म है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ा इतने और क्या कोई डिटेल वगैरह है इंशाल्लाह असं देसा और अस को प्यारे भाई माशाल्लाह मलिक विकास ये इन्होंने सैटअप है तो क्या कोई डिटेल वगैरह किस तरह है पैकेज वगैरह देने खरगोश ना कितना इन्होंने बेनीफिट है और कितने इन्होंने एक्सपेंसिस वगैरह है इंशाल्लाह सारी डिटेल्स की देसा। अच्छा जी तमाम भाइयों को और बुज़ुर्गों को इंशाल्लाह जितने भी हमारा चैनल देखने वाले हैं सबसे पहले विकास भाई का इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ जो है कौन सी ब्रीड इनके पास पड़ी हुई है क्या डिटेल है इनकी तो वो आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम विकास भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमें। सर मेरा नाम मलिक विकास है और मलिक रैबिट फार्म के नाम से पिछले 4 और 5 साल से तकरीबन जो है वो खरगोश फार्मिंग बिजनेस से और ये पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कमर्शियल रैबिट फार्म है जो जिसकी बुनियाद मैंने रखी थी 2021 में माशाल्लाह। और अभी तक तकरीबन हम पाकिस्तान में 84 के करीब फार्मर्स को जो है वो कमर्शियल फार्मिंग करवा चुके हैं माशाल्लाह जी जबरदस्त। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 14 इंटरनेशनल ब्रीड्स हैं जिनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी जी। तो पाकिस्तान में। अच्छा आपके पास जो डिटेल वगैरह इनकी पड़ी हुई है जितने मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं आपसे चीजें लेकर जाते हैं आपके पास उनकी कोई डिटेल है लिखी हुई कहीं पे? हाँ जी जाहिर बिल बनता है प्रॉपर जी जी। जाहिर हमने फार्म यहाँ पर नई जगह पे शिफ्ट किया है तो सारी चीजें थोड़ी सी जी जी रद्द बदल का शिकार है लेकिन जाहिर कंपनी का एक प्रॉपर बिल बनता है और वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद रहता है। सही है। अच्छा विकास भाई सबसे पहले आप हमें अपने पैकेज वगैरह के बारे में बताए ना कौन कौन सा पैकेज आप दे रहे हैं ठीक है उसके बाद फिर हम अपने जितने भी देखने वाले हमारी वीडियो देखने वाले चीजों का शो करवाएंगे जी। इसमें देखिये दो तरह की फार्मिंग है जो पाकिस्तान में इस वक्त करवाई जा रही है। एक है फैंसी खरगोश की फार्मिंग जी जी जिसमें नायाब नस्लें ऐड की जाती हैं और दूसरे नंबर पे आती है गोश्त वाली नस्लों की फार्मिंग जी जी। तो हमारे पास गोश्त वाली नस्लों के अलग से पैकेजेस हैं उसमें हम लोग हमारा जो पहला पैकेज है वो 94,500 से शुरू होता है जिसमें हम लोग 14 मादा और 7 नर देते हैं। जबरदस्त। इस तरीके से आगे फिर जितनी क्वांटिटी होती है इस तरह रेट उसका डिक्रीज हो जाता है। अगर कोई बंदा 60 पीस लेता है तो उसमें 3 मादा और 1 नर की रेशो उसको मिलती है और 2,40,000 रुपए का वो पैकेज बनता है 60 पीस का। इसी तरह कोई बंदा अगर 100 पीस लेना चाहता है तो वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का पैकेज बनता है उसमें 75 मादा और 25 नर दिए जाते हैं। तो ये मीट वाली जितनी नस्लें हैं उसमें न्यूजीलैंड वाइट फ्लेमिश और कैलिफोर्निया ये 3 नस्लें हम लोग देते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 2 से 3 माह होती है और वजन तकरीबन 1 किलो प्लस जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है माशाल्लाह। ये तो 3 माह में। हाँ जी। ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा कितने देती हैं? देखिए ये जो नस्ल है ये बच्चों के एतबार से भी फेमस है और गोश्त की प्रोडक्शन के लिहाज से भी बड़ी फेमस है जी जी क्योंकि अभी पाकिस्तान में मुर्गी वगैरह में जो है ना वो बीमारी बहुत ज्यादा आ रही है और इसी वजह से खरगोश की जो फार्मिंग है वो शुरू हो रही है। इसी वजह से खरगोश की फार्मिंग पे भी काम इसलिए हो रहा है कि इसके अंदर वायरल डिजीज नहीं है बैक्टीरियल डिजीज है और कॉस्ट इफेक्टिव है कि इसकी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ सब्ज चारे के हैं। आप अगर सब्ज चारा वाफर मिकदार में देते हैं तो ये आपको बड़े जानवरों से तकरीबन 10% एक्स्ट्रा मीट प्रोवाइड करता है ठीक है। तो इसमें इनकी जो बच्चों की रेशियो है ये तो कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 तक जो है वो ये बच्चे देती है माशाल्लाह जी जबरदस्त जी। अच्छा विकास भाई हमें कोई एक ब्रीडर और मादा जो है वो हमें बाहर निकाल के चेक करवाएं जरा जो आपके पास जिससे आप भी ब्रीड ले रहे हैं। ब्रीड तो सबसे ही ले रहे हैं लेकिन अभी मैं वो निकालूंगा जो प्रेग्नेंट ना हो ताकि वो ज्यादा अग्रेसिव हो तो फिर मेरे लिए सही सही। हाँ जो प्रेग्नेंट ना हो सही है बनाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जबरदस्त। ये कैलिफोर्नियन रैबिट ब्रीड है और जिसका इस वक्त अगर हम वेट करते हैं तो तकरीबन ये 3.5 kg plus में होगी 4 kg में। माशाल्लाह जी जबरदस्त। ये नर मादा है? ये फीमेल है। फीमेल है ये अभी क्रॉस के काबिल होगी क्योंकि इसने अभी बच्चे दे के ये फ्री हुई हुई है जी जी। तो इसको अच्छा ये कितने दिन के बाद आप क्रॉस करवाते हैं? ये हर 60 दिन पे तकरीबन 1 लाख देती है 50 से 60 दिन 50 से 60 दिन 30 डेज का इसका होता है प्रेगनेंसी पीरियड। अच्छा ठीक है। और 60 दिन 30 दिन प्रेगनेंसी और 20 दिन का गैप सही मतलब हर 50 दिन बाद आप इससे बच्चे ले सकते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह।
ये ब्रीड जो है वो इस हवाले से हैं, ये मीट वाली ब्रीड है। सही हो गई। और इसमें फैंसी में अगर आ जाए तो फैंसी में चेकर्ड जायंट ब्रीड है जो इस वक्त हैवीएस्ट वेट में मेरे पास पड़ी हुई है। इसी तरह फैंसी में हॉलैंड हूप ब्रीड है, ये भी आपको दिखा देते हैं। इसमें ये हॉलैंड लू ब्रीड है जी, ये हॉलैंड लू। इसकी खासियत ये है कि इसके कान जो है वो डाउन रहते हैं नीचे, तो माशाल्लाह जिसका चेहरा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। बिल्कुल ये माशाल्लाह इधर करीब से नजारा कराते हैं भाइयों को। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जबरदस्त। ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है। ये फीमेल है। 17 तारीख को इसने बच्चे देने हैं इस माह की। अच्छा, इस माह की 17 को। सही। इसके अलावा बड़ी ब्रीड में अगर आ जाए तो चेकर्ड जायंट ब्रीड है। ये पैटर्न लोगों की नजरों में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है जी। ये कलर भी बहुत अच्छा है इसका, इसी वजह से शायद ये नायाब नस्लों में आता है। जो नायाब नस्लें हैं वो ज्यादा माशाल्लाह ये देखें जबरदस्त। वजन इस वक्त तकरीबन जो है वो 7 kg के करीब, 7 kg के करीब। बाकी जी बहुत 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 हैवी है। और ये ब्रीड जो है इस वक्त पाकिस्तान में अगर पेयर की बात की जाए तो सिर्फ मलिक रैबिट फार्म पे ही अवेलेबल है, क्योंकि प्योर ब्रीड पे काम करते हैं तो नस्ल के अंदर किसी भी किस्म की क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग नहीं करवाते। सही। इसलिए जो भी कस्टमर होता है उसको ये इस चीज की गारंटी मिलती है कि जो वो शौक कर रहे हैं वो कम से कम शौक उनको प्योर मिलेगा। प्योर मिलेगा जबरदस्त, ये चीज होनी चाहिए क्योंकि ब्रीडिंग तो सारे लोगों के पास ही मौजूद है। हर बंदा अगर गोश आपको दे सकता है, लेकिन हमारा जो बेसिक कंसर्न था कि जो भी शौकीन है वो उसको नस्ल प्योर चाहिए होती है, और जो मीट वाला है उसको गोश्त की प्रोडक्शन वाली ब्रीड अच्छी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों मिलती हैं। ये चेकर जायंट ब्रीड जो बंदा लेगा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद इसको आपने क्रॉस करवाया है तो उसमें से कोई नीला पीला निकला है, पैटर्न ही निकलेगा। पैटर्न ही निकले, पैटर्न सही से बाहर नहीं जाए, ओरिजिनल चीज निकले। क्योंकि ब्रीड एक नंबर है तो फिर आगे इंशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन जो है वो भी एक नंबर ही होगी। बिल्कुल। तो इसके बाद हमारे पास ब्लू आइज में कुछ वैरायटी है जो दिखा देता हूँ मैं। माशाल्लाह जी सब ने रेड आइज वाली जो है वो तो देखी होंगी, लेकिन ब्लू आइज में आपको चेक करवाते हैं जी। ये स्मॉल ब्रीड में आता है, ये फैंसी में आता है जी। ये फैंसी में आता है माशाल्लाह, ये छोटी ड्वार्फ ब्रीड है जी जी। और ये रहती ही छोटी है, इसका अपना पैटर्न है और ये ब्लू आइज में है माशाल्लाह, जवा के ब्लू है। और इसकी जो समझ लें कि फैंसी होने की वजह से प्राइसेस भी बाकियों से अलग तलग हैं। आम नॉर्मल रूटीन में जो पेयर स्टार्ट होता है वो 8 से 10 हजार का शुरू होता है, और उनकी प्राइसेस जो है वो 30,000 प्लस में जाती हैं। अच्छा, मैं न्यूजीलैंड वाइट में कोई नर जो है वो चेक करवाए ना जी। न्यूजीलैंड वाइट में आपको नर चेक करवा देते हैं। ये ज्यादा ज्यादा कितना वेट करते हैं? ये जो इस वक्त हाथ में उठाया हुआ है ये इसका हैवीएस्ट वेट है। जी बाकायदा डिस्प्ले देता हूँ, चलना चाहिए आप ये कस्टमर के लिए जो है वो आसानी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जबरदस्त। न्यूजीलैंड वाइट ब्रीड का मुकम्मल साइज है, ये अराउंड जो है इस वक्त 4 kg पे स्टैंड कर रहा है ये मेल। इसकी उम्र कितनी होगी? अभी उम्र इसकी तकरीबन है 1 साल। माशाल्लाह जी 1 साल। इससे कितनी दफा आप ब्रीड ले चुके हैं? मेल से ब्रीडिंग तो जाहिर है ये तो इन प्रोसेस ही रहता है, क्योंकि अभी फीमेल फ्री हुई है तो पर डे भी अगर बात करें तो हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसने। अच्छा, ये जो बच्चा नया बच्चे जो हम तैयार करते हैं जब ये जवान होते हैं तो कितने महीने बाद जो है वो मादा के साथ यानी ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं? 6 माह में। कोई भी खरगोश है वो 6 महीने में जो है वो अपनी एज पूरी करता है ब्रीडिंग की। मतलब अभी सीजन है बच्चों का, जितने भी फार्मर हैं वो इस वक्त ज्यादा बच्चे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वाइट ये जो न्यूजीलैंड वाइट है ये 6 महीने में कितना वेट गेन करता है? 6 महीने में कम से कम 3 kg, ज्यादा से ज्यादा 4.25 kg। सही। अच्छा, इनकी इनमें एक तो बीमारी बहुत कम आती है लेकिन ज्यादातर एक ही बीमारी में पाई जाती है, तो उस हवाले से आप हमें थोड़ी सी डिटेल दें। एक कहा है तो पहले आप बताएं कि कौन सी एक।
जो लूज मोशन की जो है कि इनमें आती है बीमारी? ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि जितने भी इस वक्त जानदार हैं दुनिया में उनको एक बीमारी नहीं हो सकती। तीसरा खरगोश की भी कोई ज्यादा नहीं तो 20 से 25 बीमारियां जरूर हैं, लेकिन उन 20-25 बीमारियों का इलाज मौजूद है। बेसिकली फार्मिंग यहाँ पे इसकी कामयाब है कि पोल्ट्री के अंदर आती है वायरल डिजीज। अच्छा। और उसकी 64 वैक्सीनें हैं, एक भी वायरल डिजीज आ जाती है अगर उसमें से तो आपका पूरा शर्ट खत्म हो जाता है। सही। इसी तरह इसकी भी अराउंड कोई 15 से 20 बीमारियां हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि बीमार हुआ है, आपने मेडिसिन दी, ठीक हो गया, लेकिन बाकी पूरा शेड आपका डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, ये इनमें खासियत है कि यानी कि मुर्गियों में एक दफा वायरस आ गया तो वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन ये नहीं होते। इसमें वायरल डिजीज नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। बाकियों इसमें बैक्टीरियल डिजीज मौजूद है। अच्छा, यही वजह है कि इसकी फार्मिंग जो है अभी शुरू हो रही है, ज्यादा हो रही है, ज्यादा लोग कर रहे हैं, ज्यादा लोग कर रहे हैं। इसके अंदर वायरल डिजीज कोई नहीं है कि आप अगर आपके पास 200 खरगोश पड़ा हुआ है, जी जी, तो 200 में से अगर 4-5 पीस को किसी को एलर्जी हो गई है, किसी को कोई मोशन है, तो या कोई भी और प्रॉब्लम आ गई है, तो आप मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाएगा। असल में ज्यादातर जो बीमारी है यानी कि आम बीमारी जो आती है वो हमें बताएं और उसका इलाज क्या है? आम बीमारी इसमें मेन स्किन प्रॉब्लम है, और खरगोश फार्मिंग की अगर बात करें तो हमेशा ह्यूमन एरर की वजह से इसमें डिजीज आती है कि अगर आपके अपनी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स नहीं है, जी जी, तो इसमें कोई डिजीज नहीं आएगी। अगर आप सफाई का खास ख्याल नहीं रखेंगे जी तो जी, इसको स्कैबीज लाजमी हो जाएगी, स्किन एलर्जी। सही। इसको अगर आपने कंफर्टेबल फुटवर्क नहीं दिया हुआ तो इसको सोर ऑक्स की डिजीज आएगी। अगर आपने इसके अलावा खुराक अच्छी नहीं रखी हुई तो ये जो लूज मोशन है बेसिकली वो ह्यूमन एरर होता है। आपने कहीं पे खुराक गंदी दी है इसको खाने के लिए, जी जी, या कोई जहरीली चीज इसने खाई है, तब लूज मोशन लगते हैं। अदरवाइज मेरे ये फार्म पे इस वक्त 100 रैबिट पड़ा हुआ है, किसी को पिछले 6 महीनों में मोशन नहीं लगे। तो जो ये चीज के मोशन ही इसकी बीमारी है, तो मोशन इसकी बीमारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी मिस्टेक होती है। जबरदस्त। अच्छा, सुबह से शाम तक आप इनकी खुराक की क्या रूटीन रखते हैं आप? वैसे तो सबस चारा 24 घंटे चलता है इनका, और जो वीनर होते हैं बच्चे जो माँ से अलग होते हैं या जो माँ के साथ बच्चे हैं, उन माओं को हम साथ में काफ स्टार्टर वंडा जो है वो ऐड करवाते हैं ताकि बच्चों की बेहतर ग्रोथ हो सके। ये कितने टाइम बाद जो है छोटे बच्चों को फीमेल से अलग करते हैं? 35 दिन बाद 35 डेज का ड्यूरेशन होता है उसमें। फिर माँ को एक तो 5 दिन पहले मेट भी करवाया हुआ होता है, जी जी, और वैसे एवरेज 35-40 दिन तक माँ के साथ बच्चे रखे जाते हैं, फिर अलग कर दिए जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, आप हमें इनके बच्चों की थोड़ा सा डिटेल दें, इनको थोड़ा विजिट करवाएं। जी, इधर ऐसा कहा तो ये कैलिफोर्निया की ब्रीड अवेलेबल है, ये तकरीबन 3-3 माह के बच्चे पड़े हुए हैं यहाँ पे, 3 से 4 माह। अब इनका वेट कितना होगा? 3 माह के बच्चे हैं, तकरीबन इस वक्त इनका वेट 2 किलो से 3 किलो के दरमियान होगा। कम से कम कोई बच्चा होगा तो वो 2 किलो पे है इस वक्त, और जो ज्यादा होगा तो 2.5-3 किलो पे होगा। ठीक है। इसके अलावा ये इधर न्यूजीलैंड ब्लैक ब्रीड है जो पड़ी हुई है, इसके साथ ये जो ब्लैक एक फीमेल है यहाँ, ये नीदरलैंड ब्लैक पड़ा हुआ है। इसी तरह आगे जितने भी ये बच्चे हैं जो नजर आ रहे हैं, ये न्यूजीलैंड वाइट के हैं जो तकरीबन 2 महीने की उम्र के हैं। ठीक है। इसमें कोई 50 दिन का है, कोई 55 दिन का है, कोई 65-70 दिन का है, इस तरह मुख्तलिफ एज के ये बच्चे अवेलेबल हैं। ये तमाम बच्चे जो है वो इंशाल्लाह सितंबर में जो है वो ब्रीडिंग शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा ये चकवाल का एनवायरनमेंट है, सितंबर 15 से जो है वो ब्रीडिंग शुरू होती है हमारे इधर, और उससे प्रोसेस जो है वो इनका आगे शुरू कर दिया जाएगा ब्रीडिंग का फिर। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। माशाल्लाह, भाइयों को जितनी भी डिटेल थी वो हमने दी है, मजीद इसके अलावा कोई और डिटेल देना चाहेंगे हमारे भाइयों को? इसमें एक चीज के खरगोश फार्मिंग जितने भी हमारे दोस्त हैं वो बेसिकली इसको समझते हैं कि ये कोई 50,000 लगा के करोड़ों रुपया कमाने वाला फार्म है, कारोबार है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं कि हमने एक जोड़े से शुरू किया और आज 40-45 लाख की वर्थ रखता है फार्म, तो उसके पीछे एक बहुत लंबा अरसा मौजूद है जिस पे मेहनत की गई है। 5 से 6 साल बाद एक जो है वो कमर्शियल फार्म रखा गया है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप डायरेक्ट सिर्फ वीडियो देख के ये कंसेप्ट रखते हैं कि खरगोश पाला और लाखों रुपया कमा लिया, तो ये एक गलत
कॉन्सेप्ट है ये तो किसी चीज में भी है, कोई भी चीज आप रखते हैं मेहनत जरूरी है। हाँ, लेकिन रैबिट फार्मिंग में ये ज्यादा कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि जी ये तो बहुत ज्यादा बच्चे देता है, ये तो हर 30 दिन बाद बच्चे ही बच्चे है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। पूरी मेहनत मांगता है, फुल टाइम जॉब है, प्रॉपर काम करें तो फिर आपको ये करोड़पति तो नहीं लेकिन लाखपति जरूर बना सकता है। लेकिन इसके लिए मेहनत जरूर करें और इसको कमर्शियल करने के लिए इसका जो प्रॉपर चैनल है उसके मुताबिक इससे प्रोडक्शन लें, मतलब केजेस के अंदर काम किया जाए। चले ऐसे बंदों के लिए यानी कि बेहतर है जो बंदे मजदूरी करते हैं, हालांकि महीने का 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार बा मुश्किल कमाते हैं, तो आप क्या समझते हैं उनके लिए ये फार्मिंग जो आप छोटा पैकेज दे रहे हैं, अगर वो साथ साथ ये भी अपने घर में करें? जी, उसमें तो दो चीजें हैं। जो हमारा छोटा पैकेज है बेसिकली इसको रखा गया है कि तमाम वो लोग जो खुद जॉब करते हैं लेकिन घर में उनके फैमिली मौजूद है जो लुक आफ्टर कर सकते हैं या एक्स्ट्रा कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो खुद ये सेटअप लगा रही हैं, तो उनके लिए ये है कि वो अपने किचन के एक्सपेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि अभी हमारी मुर्गी हमारी जरूरत बन चुकी है जी जी। और हर घर में तकरीबन सालाना जो है वो 3 से 4 लाख रुपए की मुर्गी खाई जाती है। अगर आप गोश्त खरगोश का इस्तेमाल करते हैं तो उस 3-4 लाख से आप यूं समझ लें कि डबल प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि खुद भी खा सकते हैं और उसे अर्न भी कर सकते हैं। अर्न नहीं करेंगे, उस खाने में ही आपका प्रॉफिट है। अच्छा, कि मुर्गी खाते हैं तो सालाना 2 लाख रुपए आप अपनी बीमारियों पर लगाते हैं, तो खरगोश के गोश्त को खाने से एक तो ये कि सेहतमंद गोश्त है, आप जब खाएंगे तो स्पेशली बच्चे और बुजुर्गों में आप खुद अंदाजा करेंगे कि बीमारी की रेशो इंतहाई डिक्रीज हो जाती है, कम से कम लेवल पे आ जाती है, तो आपका वो जो 2 लाख सालाना खर्च हो रहा है वो भी कम हो जाएगा और जो आप मुर्गी पे खर्च करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा, आप सेहतमंद गोश्त पे आ जाएंगे। और आपने खिलाना उसको वही है कि बची खुची सब्जियां आप डालें उनको, जैसे हमारे भी घर से जो भी चीज सब्जी बनाई जाती है बाकी बच्चा कुछ यहाँ भेज दिया जाता है, वो इनको इस्तेमाल करा दिया जाता है। सब्जी में तो हर किस्म का सब्जा आप देते हैं, बाकी नेचुरल मंडा जो आपने ये बताया कास्टर्ड मंडा, और इसके अलावा आप खुश्क खुराक में इन्हें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, बस खुश्क चारा ही है इनके लिए। ये खुश्क घास भी खा लेते हैं जी? ये आपके सामने ये तकरीबन तमाम मिक्स घास पड़े हुए हैं, इसमें लूसन भी है, गंदम भी है, जवी भी है, और अगर आप देखें तो इसमें रोड ग्रास भी है, ये सारे मिक्स तकरीबन इस वक्त अवेलेबल हैं जो खा रहा है खरगोश। माशाल्लाह वकास भैया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपके इसके बिजनेस को अल्लाह कामयाब करे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया हुआ है और इसका बेनिफिट जो है वो भी आपने बताया हमें, बहुत अच्छी डिटेल दी, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, माशाल्लाह अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो हम आपको वकास भाई का जो यूट्यूब चैनल है वो भी हम साथ में शेयर कर देंगे, और साथ में आप अपना रابطہ नंबर शेयर करते हैं जी? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पे दे दीजिएगा अपने जी जी। चलिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देना, 0332-555-8762, इस पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं जिसको भी रिक्वायर्ड है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई, बहुत वेलकम, अल्लाह हाफिज़।